अगर आपको रिएक्शन सब समझ में आ गया, मोल समझ में आ गया और ग्राम समझ में आ गया सभी लोगों को, मोल ग्राम और लीटर सब समझ में आ गया, तो चलिए आज हम क्वेश्चन बनाते हैं 1.36। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लिखेंगे, चैप्टर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये है आपका चैप्टर, और इसका सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का देखेंगे नहीं। क्वेश्चन है 1.36 रिएक्शन बेस्ड है, इसीलिए हम तीन दिन से एक ही रिएक्शन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आज देखिए बनाते हैं कि नहीं। लिखिए, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid with aqueous hydrochloric acid according to the reaction HCl aqueous के रूप में plus MnO2 solid के रूप में product के तरफ H2O प्लस लिक्विड के रूप में MnCl2 एक्वस के रूप में और प्लस Cl2G गैस के रूप में, क्वेश्चन लिखेंगे, जरूर लिखेंगे क्वेश्चन, सभी लोग जरूर लिखें। लैंग्वेज समझने की क्षमता बढ़ेगी। How many grams of HCl react with 5.0 gram of manganese dioxide क्वेश्चन मार्क, लिख लिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने में इतना देर करो कि कोई आंसर बना के दे दे। क्या हुआ छोटू, तुम छोटा वाला काम किया, क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन लिखो जल्दी, बुक रहने से क्या होगा, बुक तो बुक में सब चीज लिखा हुआ, लिखो जल्दी क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने से लैंग्वेज समझने की क्षमता बढ़ेगी केमिस्ट्री में। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने लिखी है, क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला काम अभी हम क्या है, Cl2 गैस
मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या दिक्कत है? मैन है, नैन होगा, किसी के एनसीईआरटी में है कि एन नहीं है? सब में है ना एन? दोनों में कौन सही है? ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। तो हम ऊपर वाला हम अपने अनुसार लिखे हैं, नीचे वाला एनसीईआरटी के अनुसार लिखे हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ छोटू, एम ए एन लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम कल गूगल में देख के देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि नाम अमेरिकन लिख दिया और ब्रिटिश लिख दिया। नीचे वाला आप सही हो गया। देखिए ऐसा सब बदलने में है, जैसे ही हम बोले एनसीईआरटी नीचे वाला लिखे हुए है तो कहती है कि अब ये सही हो गया। आप पहले हम कहे कि हम ऐसे लिखे तो हम जानबूझ के लिखे कि देखते हैं दोनों में किसका समर्थन ज़्यादा मिलता है। चलिए इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक पर। हाँ एनसीईआरटी में नीचे वाला लिखा है। तो देखिए पहला सबसे पहला काम आप लोग करें, इधर देखें, अपना माइंड यूज करें। सबसे पहला काम इस इक्वेशन को बैलेंस करें। सबसे पहला काम इस इक्वेशन को, सबसे पहला काम क्या करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप लोग अपने अपने कॉपी पर डिस्कस नहीं करें, आप हमको आंसर बताएं डायरेक्ट। बाजार समिति में बैलेंस कर सकते हैं तो बैलेंस कीजिए, और हरनौत में भी अगर कर सकते हैं तो बैलेंस करके बताइए। इसीलिए कह रहे थे क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस करना सीखना था। बैलेंस करके बताइए। इधर MN है तो इधर भी MN है, इधर क्लोरीन एक है और उधर क्लोरीन दो है। क्लोरीन की संख्या इधर कितनी? फोर। तो देखिए उधर चार है, तो सबसे पहला काम यहाँ चार कर देंगे। आप क्या करेंगे? H2O के सामने टू कर देंगे, और कहीं कुछ करना है? हो गया बैलेंस। अब देखिए क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए, जिनसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, कोशिश करना है बनाने का। सबसे पहले थोड़ा सा बात आप समझ लीजिए, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। पहला हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कितना ग्राम, याद करवाए हैं 1 ग्राम, चलिए वेरी गुड। क्लोरीन का कितना ग्राम? 35.5 ग्राम, सभी लोगों याद कर लें, जो जिनको याद नहीं है वो भी याद करें। 35.5 ग्राम मतलब HCl का कितना हो जाएगा टोटल, सो बताइए 36.5 ग्राम। ये हो गया एक HCl का 1 मोल, लेकिन है कितना? ये चार, तो चार गुना हो जाएगा, कितना होगा? चार गुना 36.5 ग्राम बराबर, बताइए कम से कम आप लोग कितना आया? 146 ग्राम, ये आ गया। अब MnO2 का, Mn आपको याद नहीं होगा इसीलिए इसका होता है 55 ग्राम, कितना होता है? 55। अब ऑक्सीजन का बताइए, 16 ग्राम और गुना 2, तो कितना हुआ जोड़कर बताइए? 87 ग्राम, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बना के दिखाइए, तो अब बनता है आपसे कि नहीं? आप लोग अपना अंग्रेजी का देखिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ तक हम हेल्प कर दिए, इसके बाद आप देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। देखो छोटू कुछ थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, तुम बना सकता है, बनाओ। हेल्प कर दिए हैं, जो जितना जरूरत था यहाँ के बाद बनना चाहिए। इफ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।
देखो छोटी बनाओ तो रहे, हो सकता है रात में पापा पूछा क्वेश्चन पूछें कि क्या पढ़ी आज, हम कहेंगे कि आधा तो बता दिए थे। बताइए कैसे बनेगा यह प्रश्न। कौन बनाएंगे? प्रियांशु कहता है हम पूछ रहे हैं कौन बनाएंगे, तो प्रियांशु कहता आप, मतलब हम नहीं बनाएंगे। बाजार समिति आंसर कुछ बता सकते हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देखिएगा तो समझिएगा कि बहुत सिंपल था, चूंकि यह केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है और जिंदगी में पहली बार बना रहे हैं, हो सकता है इसीलिए नहीं बन रहा। हमारे पास HCl कितना ग्राम चाहिए इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए, कितना ग्राम चाहिए? 146 ग्राम। और MnO2 कितना ग्राम चाहिए? 87 ग्राम। तब हमें तीन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमें इधर से कोई मतलब है अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन प्रिपेयर किया जाता है इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा है कि इस रिएक्शन के आधार पर हम क्लोरीन गैस प्राप्त करेंगे। यहाँ तक में तो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आगे कहता है ये रिएक्शन दे दिया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl ये पूछ रहा है कि कितना ग्राम HCl रिएक्ट करेगा विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। 5 ग्राम अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड आपके पास है, यह कितना ग्राम है? 5 ग्राम, ओनली 5 ग्राम। तो किसी लड़के को कहे कि MnO2 लाओ, वह लाया 87 ग्राम, समझ जाइए पहले वह कितना ग्राम लाया, 87 ग्राम। तो उसके पास इतना आ गया MnO2 आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा एक तरह से, अब इससे अभी मोल की जरूरत यहाँ नहीं है। 87 ग्राम वह लाया और दूसरा व्यक्ति लाया कितना HCl, दूसरे कंटेनर में लाया वह 146 ग्राम। अब कहता है कि 5 ग्राम अगर बच्चा वह लाता, आप कहते उसको 87 ग्राम लाने, लेकिन वो लाया कितना? 5 ग्राम। तो 87 ग्राम के लिए कितना जरूरी है? 87 ग्राम रिएक्ट्स विथ, लिख देते हैं, रिएक्ट्स विथ कितना ग्राम MnO2? नहीं, 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट्स विथ 146 ग्राम कौन चीज? HCl। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन समझिए। जब भी नया क्वेश्चन देंगे आपका दिमाग नहीं काम करेगा, क्यों? क्योंकि आप पहली बार, पहला नंबर तो आप पहली बार बना रहे हैं और क्वेश्चन हल्का रहते हुए भी नहीं बन पा रहा, क्यों? क्योंकि आप लगातार क्वेश्चन नहीं बना रहे। अब देखिए ये 87 ग्राम लाता, अगर कोई 87 ग्राम लाता MnO2, क्या है ये? MnO2 रिएक्ट्स विथ 140 ग्राम HCl, मतलब दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, ये इसमें ख़त्म हो जाता है और ये इसमें ख़त्म हो जाता है, इस दोनों का नाम नहीं रहता है और बाद में तीन नाम आता है H2O, MnCl2 और Cl2, मतलब ये दोनों का नामो निशान ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1 ग्राम लाता, कितना ग्राम? 1 ग्राम, तो कितना रिएक्ट होता, कितना ग्राम होता है? 1.146 ग्राम बाय 87 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? इतना रिएक्शन होता, लेकिन वह बच्चा लाया कितना ग्राम? कितना ग्राम? 5 ग्राम। आप अगर कोई नहीं बनाइएगा तब तो ब्लंडर हो जाएगा, अब नहीं बनेगा अगर आंसर 146 ग्राम बाय 87 ग्राम
अगुना 5 ग्राम। बनाइए थोड़ा सा, अब यहां तक बनेगा कि नहीं, इसको ग्राम मानिएगा नहीं तो क्या होगा। चलिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कम से कम सही सही कीजिए। प्रियांशु थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलो छोटू पीछे से 8.4 आएगा। एट पॉइंट आ गया, देखने दो, देख लो 8.39। अब बोलिए कि इतना ब्रेन इंटेलिजेंट रहते हुए भी क्वेश्चन कोई कठिन था नहीं था, इसलिए हम दो क्लासें लगातार प्रैक्टिस करवा रहे थे कि आप किसी तरह इस बात को समझिए, आप किसी तरह इस बात को समझिए, लेकिन आप लोगों ने ब्रेन को एक्टिवेट नहीं किया। अब हम भाग देंगे 100, कैसे भाग दिए थे, पहले गुना किए तो 146 गुना, इधर मिटा देते हैं, इधर मिटा दें, चलिए इधर मिटा देते हैं, और 146 गुना 5 कितना आया बताइए आप लोगों को, 7, 146 गुना 5 आया आपको कितना, 730। तो 730 में से भाग दिए 87 से, कितना बार लगा, 8 बार, कितना आया यहाँ 696। घटाइए कितना आया बाजार समिति बताइए, यह हरनौत घटा कर कितना आया था 34। देखते जाइएगा आप लोग, मिलाते जाइएगा सही हुआ है कि नहीं। पीछे छोटू कितना आया है घटा को, तुम इधर उधर देखता है, तुम बोलो, हाँ तो तुम भाग भी नहीं दे रहा है मत, हम इसलिए इसलिए दूसरा तरीका होता है इसमें, पहले भागा दे दिया। चलिए ठीक है, आप बताइए कितना बार लगेगा, दशमलव देंगे यहाँ 0, फिर कितना बार लगेगा, 3 बार, बताइए कितना आया 3 बार में, 261। देखिए एक एक लड़की बोल रही है, इसका मतलब यही बनाई सिर्फ, समझ गए, 261। यहाँ कितना बचा, कितना 79। अब कितना बार लगेगा, 9 बार, कितना आया 783। चलिए तो 8.39 क्या आएगा सो बताइए। अच्छा इसमें इसमें छोटू पीछे से ग्राम बचेगा कि खत्म हो जाएगा, देखिए 3 ग्राम है, ऊपर में 2 ग्राम है, तो ये ग्राम कट गया लेकिन 1 ग्राम बच गया, तो इसका मान आएगा 8.39 ग्राम। ये आंसर था, ये आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या छोटू समझ में आया। तो MnO2 का ये क्वेश्चन देने का क्या मतलब हुआ सो देखिए, आपसे आगे पूछेगा, आगे दूसरे दूसरे किताब में पूछेगा कि उसमें H2O कितना बन सकता है, उसमें MnCl2 कितना बन सकता है, इसमें क्लोरीन कितना बन सकता है, समझ गए, इसमें क्लोरीन कितना बन सकता है, इसमें MnCl2 कितना बन सकता है, इसमें H2O बन कितना बन सकता है, समझ गए, या मोल से संबंधित पूछ देगा क्वेश्चन कि वह कितना मोल बनेगा, वाटर कितना मोल बनेगा, तो 2 मोल बन रहा है, अभी तो 2 मोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस रिएक्शन के मुताबिक, तो बैलेंस करने आ गया रिएक्शन, तो वह कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, किसके प्रिपरेशन के बारे में यह रिएक्शन था, किसके प्रिपरेशन के बारे में यह क्वेश्चन था, क्लोरीन गैस, किसको मिलाकर बनाया गया MnO2 और प्लस HCl के द्वारा, और
इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था सॉलिड के रूप में था कि एक्वस के रूप में? एक्वस के रूप में। और MnO2 किस रूप में था? और H2O किस रूप में पाया गया? और Cl2 किस रूप में? गैस के रूप में। तो HCl जो रिएक्ट किया उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ था? 5 ग्राम। अब आप बताइए कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। और Mn का कितना होता है? 50, 55। तो कितना ग्राम के साथ रिएक्शन किया था? 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट किया था कितने ग्राम HCl के साथ? 186। इसीलिए 5 ग्राम करेगा कितने ग्राम के साथ? 8.39 ग्राम के साथ। तो इतना याद रहेगा नेक्स्ट क्लास तक कि दिक्कत है, भूल जाइएगा, बना दीजिएगा ना, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक बनाइए।